Hi everyone, this is Neha and I'm from Haryana. Perfect Miss 2018's winner, and I'm so glad and I feel so good and privileged to have this crown, and it's like a dream come true for me. I'm on the seventh cloud and it was a fairy tale for me and it came true. I'm so happy. I'm extremely happy. Hello everyone, I'm Divya Dicholkar. I'm from Mumbai itself but hailing from Goa, and I'm first runner-up of Perfect Miss 2018, and of course I'm really happy and grateful to the entire team of Perfect Women, and as well as I also feel the responsibility of all the appreciation and all the hard work. I see my dreams and this is one of it, so I'm just really happy and really honored. Thank you. Namaskar, मी श्वेता पाटिल उरणची, अँड आय फील व्हेरी ब्लेस्ड टू वेअरिंग दिस क्राऊन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल अँड एव्हरी वन विशिंग अ क्राऊन अँड फीलिंग लाईक अ प्रिन्सेस, अँड आय डू फील लाईक अ प्रिन्सेस टुडे. थँक्स अ परफेक्ट मिस टीम टू गिविंग मी सच अपॉर्च्युनिटी. थँक यू सो मच. अब आप ये बताएं कि जीतने के बाद अभी बाकी जो कंटेस्टेंट हैं जो अगले सीजन के लिए आना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही टिप्स देना चाहूँगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कॉन्फिडेंस. आप हर चीज़ में कॉन्फिडेंस दिखाइए, चाहे वो वॉक हो, टॉकिंग हो, पोजिंग हो, सिंगिंग हो, आपका जो भी टैलेंट है, हर चीज़ में आप एकदम आगे आइए और बहुत कॉन्फिडेंस से हर चीज़ कीजिए, देन यू विल डेफिनेटली विन. I guess I'll second the confidence thing, and also I feel you should feel that you already have that crown and walk with that confidence, chin up and just slay, you know. You don't need to be struggling every day. Just feel that you already have it and you're halfway there. Well, आपकी लगन और आपकी मेहनत हमेशा आपको बिना तक लेके जाएंगी, तो हमेशा जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे बोल्ड एंड स्टे जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम. डेफिनेटली सक्सेस पे काम करो. अच्छा, ये क्राउन जीतते हैं तो आप लोग काफी डाइट करते हैं, तो आगे जो अभी आना चाहते हैं या अभी अब आप लोग की डाइट क्या होगी लाइक? मेरी डाइट एज सच चेंज नहीं हुई है ऑनेस्टली. ईट वेल, एक्सरसाइज वेल, स्लीप वेल, दैट्स ऑल. ज़्यादा अपना आपको स्ट्रेस मत दो, जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो. बिल्कुल स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है. चिल रहो एंड अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है. हर चीज़ को बस बैलेंस करके चलना चाहिए, देन एवरीथिंग विल बी फाइन. आई वुड लव टू टेल एवरीबडी दैट फिटनेस इज जस्ट नॉट अबाउट फिजिकल फिटनेस, इट्स अबाउट योर स्पिरिचुअल, मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस. सो सी टू इट दैट यू स्ट्राइक अ बैलेंस ऑफ ऑल ऑफ दीज, एंड बिसाइड्स दैट यू कैन एक्सरसाइज, यू कैन ईट वेल, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, एंड जस्ट यू नो बी हैप्पी एंड यू विल शाइन विद इन. मैं भी कहना चाहूँगी, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, अपने आप ही वो ताकत आ जाएंगी, अपने आप ही वो लगन आ जाएगी. तो जस्ट स्टे फोकस होगी. इस जीत के पीछे आप लोगों ने कितनी मेहनत की है उसके बारे में? शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत कुछ किया. ये क्राउन पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी, और आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं तो वो सिर्फ अपनी मेहनत की. मेरे लिए ये एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी किसी पेजेंट में ट्राई भी नहीं किया है. बट मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. सबसे ज़्यादा हाथ मेरा उसमें मेरे पेरेंट्स का था, हार्डवर्क भी था बट पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा था. यस, स्पेशली माई मॉम. मॉम, फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द डे ऑफ ऑडिशन टिल नाउ शी इज़ हियर, शी इज़ बाय माई साइड एवरी टाइम. आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव अ पेरेंट्स लाइक देम, सीरियसली. मैं चाहूँगी कि ये अच्छी मेहनत करे और आगे जाए, और ऐसे ही मैं इसका साथ दूंगी. आपने अब तक कैसे सर दी, आपको क्यों लगा ऐसा कि आपकी बेटी जीत गई? सर, डे वन से और लास्ट डे से मैं इसके साथ हूँ, और बस मैंने बहुत मेहनत की इसके साथ. और आई जस्ट टेल दैट इट्स नॉट अबाउट working towards this particular pageant. See to it that you're working for your life. You want to make your dream come true and you will do it. You just have to be consistent. Yeah, my dad is here. बहुत proud feel कर रहे हैं
उसकी मेहनत और लगन काम आई है और ऑलवेज शी इज़ वर्किंग हार्ड फॉर हर फिटनेस हर अचीवमेंट एवरी टाइम शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड और बहुत फोकस रहती है वो अपने काम से काम रखती है अपने काम में ऑलवेज वो श्योर रहती है कि कॉन्फिडेंस से आपने कैसा करना है उसके लिए वो मेहनत करती रहती है। उसकी इसमें आने की ख्वाहिश बहुत थी पहले से, वो टीवी देख के वो बोलती थी मैं इसमें जाना चाहती हूँ और मैं इसे और आगे बढ़ना चाहता हूँ, फिर भी उसने बहुत मेहनत की है इसने। आगे आप लोग क्या किया है, क्या इरादा है, क्या करेंगे आगे? अभी यहाँ तो आप पहुँच चुकी हैं, जीत भी चुकी हैं, आगे का क्या इरादा है, क्या हम आगे कुछ लोगों को, कुछ लड़कियाँ जो इसमें आना चाहते हैं पर उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आई वॉन्ट कि आप सपोर्ट करो। आज हमारे पेरेंट्स इतने तक खड़े हैं तो सिर्फ अपनी लगन के करें, तो प्लीज़ गाइस लेट देम गो अहेड। थैंक यू। मैं तो कहना चाहूँगी आई डोंट वांट टू गिव सम विशेस, दे आर ऑलरेडी अ कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ एनर्जी, तो वो आगे जाएंगे डेफिनेटली, दे आर गोइंग टू रॉकेट, एवरी गाइस आर गोइंग टू रॉकेट, सो यस बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। लिटिल चैम्प्स आई थिंक वो 8 to 11 ईयर्स के बच्चों के लिए है एंड बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो दे विल डेफिनेटली डू गुड एंड उनको इतनी सी एज में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उनको बहुत अच्छे से इसको परफॉर्म करना चाहिए, वो ज़रूर आगे जाएंगे। आई थिंक किड्स एट दिस एज आर वेरी रॉ एंड वेरी मोल्डेबल एंड दे कैन जस्ट ग्रास्प एनी थिंग, सो आई थिंक दे आर वेरी लकी टू बी हियर एट दिस प्लेटफॉर्म, दे आर श्योरली गोइंग टू रॉक इट। There are no second thoughts. All the best. Thank you. आज आप ब्रांड पे बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ब्रांड एम्बेसडर बनकर। I feel too good. और मैं इतने सारे सीएल्स कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा अभी आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि फिल्मों में जाने देंगे या फिर फिल्मों के लिए ट्राई कर रही हैं ये? आप बताएं मॉम, नया की मॉम। जी। आप सर? यस यस। आप सर? तो आपकी क्या विश है, अगर इनको स्टार बनता हुआ देखना चाहते हैं कि सिर्फ मॉडलिंग तक ही ये लोग सीमित रहेंगे? उसी के ऊपर है ना, कुछ करना है तो। अच्छा वो लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग क्या डिसाइड करने वाले हैं, करियर रैप शोज में बनाना है या फिर बॉलीवुड तक जाना है या टीवी सीरीज? यस डेफिनेटली डेफिनेटली बॉलीवुड, लव टू एंटर इन बॉलीवुड, डेफिनेटली बॉलीवुड। ओके और नहीं बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए तो सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो फाइनल रैंप पे वॉक कर रहे थे वो सभी हमारे लिए विनर्स ही थे, हर कोई एक विनर ही हमारे पास। लेकिन हाँ ये तीन स्पेशल जर्म्स थे जो आज इस तरीके से आज आप सबके सामने है मोटिवेट करने के लिए और आगे की और लड़कियों को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए। तो यस दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड वी आर रियली विशिंग अ ग्रेट सक्सेस फॉर देम, सो नाउ लेट्स सी व्हाट कम्स इन द वे एंड दे आर ऑल सेट एंड ऑल रेडी टू रॉक द वर्ल्ड। ओके मैम, हम लोग सरप्राइज देने वाले हैं सारी लड़कियों को जो भी परफेक्ट मिस में पार्टिसिपेंट हैं। हमारे बीच डायरेक्टर हामिद अली सर आए बैठे हैं, उन्होंने राजीव मुखर्जी को ब्रेक दिया था, तो वो परफेक्ट मिस 2018 में से जितनी भी लड़कियां हैं उसमें तीन लड़कियों को अपनी नई फिल्म के लिए ब्रेक देने वाले हैं। आपने इतने लोगों को ब्रेक दिया है, परफेक्ट मिस मिसेज किड्स एवरी कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे आपको लड़कियाँ लेडीज सब मिल जाएंगी, कास्टिंग के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसी के बाद सबसे पहली बात तो मैं इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये लोग यहाँ तक आए हैं, अपने बलबूते पे हैं, मेहनत करके आए हैं। वैसे मैंने आपने बता दिया काफ़ी लोगों को ब्रेक दिया है, तो और मैं कुछ शॉर्ट फिल्में शुरू करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पर, तो अभी मैं उनकी परफॉर्मेंस देखूँगा और कौन किस लेवल का है क्या कर रहे हैं उस हिसाब से मैं उनकी कास्टिंग करूँगा और उनको ब्रेक दूंगा मैं। अब उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करनी पड़ेंगी, मतलब फिटनेस की एक्टिंग की जो चीज़ें हैं वो उनको करनी तो पड़ेंगी। तो अभी आपकी तरफ से है कौन कौन परफॉर्म कर रहा है क्या कर रहा है तो आप मुझे दिखाएंगे तो करने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू। तो परफेक्ट हो चुके हैं, दे हैव रियली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि ग्रूमिंग इन इट सेल्फ इज़ अ मेजर टास्क, इट हैज़ टेकन आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, रोज घंटों प्रैक्टिस करना, वॉक करना, अपने स्पीच पे काम करना, सो दे रियली वर्क ऑन देम सेल्फ, आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड विच इज़ वाई दे आर हेयर टूडे एट विनर्स। थैंक यू।
गुरु भाई, आप अपना बिजनेस में से टाइम निकाल के खुशी मैम को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, परफेक्ट मिस को एक साल में बहुत सारे पेटेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे मिसेज मिस अभी टीन और अभी चैम्प अनाउंस हो गया है जो इस साल होने वाला है, तो आप इतना वक्त कैसे निकालते हैं और इन सबको आप क्या कहना चाहेंगे जो विनर्स हैं? सर, घर की बेगम है, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो घर पे रहना मुश्किल हो जाएगा. एंड व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, वुमन एम्पावरमेंट है. एंड जिस हिसाब से लोगों को ब्रेक मिल रहा है तो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि जो यंगस्टर्स है आजकल के वो इतनी मेहनत करते कि हम सोच नहीं सकते. एंड इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म व्हाट शी इज़ डूइंग, कर रहे सर. Indeed, it's a very beautiful platform because this is the only pageant in India where there is no height restriction or your, you know, beauty is not about height, it's not about, beauty comes in all shapes and sizes. So hats off to Mrs. Khushi and Perfect Own Team. ज़्यादा अच्छा था. आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर गे, डॉक्टर खुशी, डॉक्टर सॉरी गुरुभाई सर एंड माई मेंटर अश्लेषा मैम, बिकॉज दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल. और उन्होंने जो भी सपोर्ट किया है, जो भी उनका गाइडेंस है, वो मतलब वी आर रियली हियर बिकॉज ऑफ देम एंड इट वॉज रियली नाइस. मयूरी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप ग्रेसियस फेस ऑफ द शो रहे. इधर जो था वो सब कुछ बहुत ही लाइफ चेंजिंग था. लाइक गीत मैम मुझे अच्छी तरह से जानती है कि मैं पहले आई थी तब कैसी थी और अभी कैसी हूँ. उनकी वजह से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बस उनकी वजह से, और ये जो ऑर्गेनाइजर बैठे उनकी वजह से. डॉक्टर गीत मैम, प्लीज मैम, प्लीज इन्होंने तो सिर्फ धक्का लगा दिया सर.